हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी अभी जस्ट एक अपडेट आया है और मैं अपडेट वीडियो तुरंत आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं अभी बाहर हूं, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो स्टूडेंट नीट यूजी महाराष्ट्र काउंसलिंग में पार्ट लिए थे और उन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया था MBBS और BDS के लिए, उसकी सिलेक्शन लिस्ट आज आने वाली थी और वो इस समय वेबसाइट पर आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, ठीक है। cetcells.net/UGNEET2021, ठीक है। तो मैंने ये वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको दिखा देखिए डाउनलोड सिलेक्शन लेटर, ठीक है। अब डाउनलोड सिलेक्शन लेटर में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे कि कोई लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डाउनलोड सिलेक्शन लेटर एकदम बेटर ऑप्शन है। इसमें सिर्फ अगर आप सेलेक्ट हुए रहेंगे तो आपका सिलेक्शन लेटर दिखाएगा, और नहीं सेलेक्ट हुए रहेंगे तो नहीं दिखाएगा, सिंपल सी बात। तो हम डाउनलोड सिलेक्शन लेटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड सिलेक्शन लेटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है पहले राउंड में तो आपको करना क्या है, आपको देखना कैसे है, मैं आपको बता दूँ। आपको यहाँ डिग्री का टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है। डिग्री का टाइप आप अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर कोर्सेज सेलेक्ट करना है कि आपका मेडिकल में आ सकता था कि डेंटल में हो। वैसे तो आपको दोनों को चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जैसा आपको मेडिकल में मतलब MBBS के लिए चेक करना है तो MBBS तो मेडिकल पे आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है स्टेट CET फॉर्म नंबर, ठीक है। अब स्टेट CET फॉर्म नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप काउंसलिंग के लिए, महाराष्ट्र काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर रहे थे, सो जो उसका अप्लीकेशन नंबर था वो आपको डालना है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद आपको नीट का रोल नंबर डालना है, फिर ऑल इंडिया रैंक डालनी है अपनी, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर कैप्चा डालना है, ठीक है। अब जैसे ही आप उसके बाद सो सिलेक्शन लेटर पे करेंगे, ठीक है, और आप सेलेक्ट हुए रहेंगे इस राउंड में, तो आपका सिलेक्शन लेटर आपके पास आ जाएगा और उस लेटर को आपको अलॉटेड कॉलेज में लेके जाकर जमा करना होगा, यानी उनको दिखाना पड़ेगा आपको और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे वहाँ, ठीक है। तो अगर आपको दिखा रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप इससे MBBS और BDS के लिए दोनों के लिए चेक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।